यदि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा आइडिया जो नया भी हो और जिसमें कामयाबी भी हो, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे करके आप कमा सकते हैं लाखों रुपए, वो भी एकदम आसानी से। तो चलिए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। टोफू यानी सोया पनीर का प्लांट लगाकर करें बिजनेस। सोयाबीन के पनीर को टोफू कहा जाता है। इस बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। इस बिजनेस को करने में और इसको सफल बनाने में थोड़ी सी मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। आप खुद को एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। बता दें कि आजकल बाजार में सोया दूध और सोया पनीर का खूब डिमांड है। सोया दूध की पौष्टिकता और स्वाद गाय भैंस के दूध जैसी नहीं होती, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। निवेश कितना होगा और प्रॉफिट कितना? यूं तो आप इस बिजनेस को लगभग 3 से 5 लाख रुपए के निवेश में शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में इस बिजनेस से आप हजारों लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ही कम निवेश में अपना डेयरी प्लांट खोल सकते हैं। इस बिजनेस के शुरुआती निवेश में बॉयलर, जार, सेपरेटर, छोटा फ्रीजर आदि सामान 2 लाख रुपए तक में आ जाएगा। इसके साथ ही 1 लाख रुपए में सोयाबीन की खरीद करनी होगी, तो वहीं टोफू बनाने वाले कुछ एक्सपर्ट की जरूरत होगी। अगर आप रोजाना 30 से 35 किलोग्राम टोफू बनाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई आसानी से हो जाती है। बिजनेस के लिए ले लोन। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए राशि नहीं है तो आपके बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को जिला उद्योग कार्यालय में दिखाना होगा। इसके बाद मुनाफे और लागत का आंकलन किया जाएगा और फिर आपको सब्सिडी वाला लोन मिल जाएगा। बता दें, इसके लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें SME प्रोजेक्ट्स के लिए बिना ब्याज और कम ब्याज वाले लोन भी दे देती हैं। यहाँ जाने सोयाबीन पनीर बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले सोयाबीन को पीसकर 1:7 के अनुपात में पानी के साथ मिलाकर उबाला जाता है। बता दें कि बॉयलर और ग्राइंडर में 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद 4 से 5 लीटर दूध मिल जाता है। इस प्रक्रिया के बाद दूध को सेपरेटर में डालते हैं, जहां दूध दही जैसा होता है। इसके बाद बचा हुआ पानी निकाल दिया जाता है। करीब 1 घंटे के बाद 2.5 से 3 किलो टोफू मिल जाता है। यहाँ देखिए सोया दूध बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले सोयाबीन को 5 से 6 घंटे तक गर्म पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद सोयाबीन को गर्म पानी से निकालकर 10 से 12 घंटे के लिए ठंडे तापमान पर रखा जाता है। अब सोयाबीन को कुकिंग मशीन में रखकर तेज गर्म किया जाता है, जहां से दूध निकलता है। इस दूध को पैक करके बाजार में बेचा जा सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।